नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में मैग्नेटिक सर्किट। और उसमें हमारा क्वेश्चन है, अ माइल्ड स्टील रिंग हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm स्क्वायर एंड अ मीन सर्कमफेरेंस ऑफ 400 mm हैज अ कॉइल ऑफ 200 टन्स वाउंड यूनिफॉर्मली अराउंड इट। कैलकुलेट द रिलक्टेंस ऑफ द रिंग, द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 800 माइक्रोवेबर इन द रिंग। दोस्तों, कुछ इस तरीके की एक रिंग है माइल्ड स्टील की और उस पर कॉइल चढ़ी हुई है। कॉइल के 200 टन्स है, उसमें कुछ करंट बहती है, हमें करंट बताना है। और जिस प्रकार ओम्स लॉ में दोस्तों रेजिस्टेंस होता है, वी इक्वल टू आई आर, यानी कि ईएमएफ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पे एमएमएफ इक्वल टू होता है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, यानी फाई इंटू एस, इट इज इक्वल टू ओम्स लॉ। ये नंबर ऑफ टर्न्स है दोस्तों, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है। क्रॉस सेक्शन एरिया 500 mm स्क्वायर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है दोस्तों। एमएमएफ इक्वल टू एमएमएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एम्पियर टर्न, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न, एसआई यूनिट में आप एम्पियर भी कह सकते। और एमएमएफ क्या होता है दोस्तों, फाई इंटू एस, ये फाई इंटू एस जो है ये इक्वेलेंट टू ओम्स लॉ है दोस्तों। उसमें ईएमएफ इक्वल टू वी वी इक्वल टू आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है फाई इंटू एस, फाई जो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, एस जो है हमारा दोस्तों वो रिलक्टेंस, एस इज रिलक्टेंस। और इसकी वैल्यू दोस्तों निकलती है एल डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये ऊपर एल है दोस्तों लेंथ, आप जानते हैं बी इक्वल टू म्यू एच, और बी इक्वल बी बी जो है टेस्ला है, टेस्ला इक्वल टू फाइव बाई ए, यानी वेबर पर यूनिट एरिया। तो अगर दोस्तों यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम निकालें तो वो आ जाएगा 1.6 टेस्ला, क्योंकि हमें म्यू आर चाहिए दोस्तों। म्यू रिलेटिव जो है वो माइल्ड स्टील का वो 1.6 टेस्ला पे कितना होगा, म्यू नॉट तो हमें पता है दोस्तों, 1.6 टेस्ला पे म्यू आर जो है माइल्ड स्टील का वो 380 है दोस्तों। म्यू की यूनिट आप जानते ही हैं हेनरी पर मीटर। तो अब हम रिलक्टेंस निकाल देते हैं, एस इक्वल टू एल डिवाइड बाय नॉट म्यू आर ए। एल दोस्तों 400 mm है, 4.2×10⁻¹⁷ हेनरी पर मीटर, और 380 रिलेटिव दोस्तों, रिलेटिव माइल्ड स्टील का जो है फ्री स्पेस के मुकाबले 380 टाइम्स मोर है। और ये दोस्तों यानी रिलक्टेंस कम हो जाएगा इनटू परमिटिविटी जो है वो माइल्ड स्टील की 380 टाइम्स मोर है रिलेटिव टू फ्री स्पेस और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। माइल्ड स्टील इज मैग्नेटिक मटेरियल, एवरी स्टील इज मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ से जो एस आ गया हमारा रिलक्टेंस वो आ गया एम्पियर टर्न पर वेबर, 1.675×10⁻⁶। एमएमएफ आप जानते हैं एम्पियर टर्न है, और एस जो है हमने अभी रिलक्टेंस निकालना है, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो हमें एमएमएफ मिल जाएगा। और आप जानते हैं एमएमएफ आई और एन का प्रोडक्ट है, एस हमने निकाल ही लिया है दोस्तों, और फाई हमें पता ही है, करंट हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स 200 हमें दिया हुआ है। तो आई इक्वल टू 800 माइक्रोवेबर है, तो 10⁻⁶ 1.675×10⁻⁶ पीए टर्न पर वेबर रिलक्टेंस निकालना है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 200 है। हमारा जो कॉयल में करंट है वो है 6.7 एम्पीयर, ये आंसर हो गया दोस्तों। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने यूज किया है इक्विवेलेंट ओम्स लॉ टू मैग्नेटिक सर्किट, एमएमएफ इक्वल टू फाइव इंटू एस, वेयर एस इज रिलक्टेंस, क्योंकि हमें रिलक्टेंस भी निकालना था क्वेश्चन में। आप जानते हैं बी इक्वल टू म्यू एच, बी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, एच जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एच यानी एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ आईएन होता है दोस्तों, आईएन बाई एल,
बी इक्वल टू 5 आई है इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई एन बाई एल। तो दोस्तों यहाँ से आई क्या हो जाएगा, 5 L डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया और एन नंबर ऑफ टर्न। म्यू रिलेटिव हमने माइल्ड स्टील का ऊपर निकाला था 380, यहाँ से भी दोस्तों हमारा करंट आ जाएगा 800 माइक्रोवेबर, लेंथ 400 mm, 4.27 हेनरी पर मीटर, 380 इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइल्ड स्टील, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 500 mm स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स इज 200। तो हियर ऑल्सो वी गेट 6.7 एम्पियर। असल में एक ही है दोस्तों फार्मूला, क्योंकि थोड़ा तोड़ मरोड़ के हम एक अननोन था करंट हमें निकालना था तो हमने निकाल लिया, रिलक्टेंस भी हमने निकाला है दोस्तों, दो चीज़ें पूछी थी इसमें और रिलक्टेंस हमने निकाला है। MMF इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस का फॉर्मूला। आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा, धन्यवाद। और दोस्तों ये जो है मैग्नेटिक सर्किट पे भी आपके किरचॉफ्स लॉ अप्लीकेबल है, अगले क्वेश्चन में हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किरचॉफ्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट। धन्यवाद दोस्तों।